जी हेलो, बताएं अपने बारे में। हाँ जी बताइए, आप क्या बताएं, मैं क्या बताना है आपको, क्वेश्चन कीजिए। नहीं बताऊंगी आपको क्या बताना है। मेरा तो सारा कुछ रिज्यूम है ना, आप उसमें से क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा, तो मैं आंसर दूंगा। एक्सपीरियंस लोग का दिक्कत यही होती है। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब तो यही है ना, मतलब काम क्या करते हैं। तो आप मजदूरी करने तो नहीं आए हैं, एक जॉब करने आए हैं। जॉब करने का मतलब होता है चार छह लोगों के साथ बैठ के टीम वर्क करना होता है। जब आप टीम वर्क करेंगे तो वहाँ आपका व्यवहार कैसा है, बोलचाल कैसा है, आपका रवैया कैसा है, ये मैटर करेगा। इंटरव्यू में यही होता है। जब किसी दुनिया किसी इंटरव्यू में जाइएगा, छोटा इंटरव्यू बड़ा इंटरव्यू पूछेगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। उसी को मैंने आपसे हिंदी में बताया, पूछा आपसे कि अपने बारे में बताएं। अगर आपको लगता है रिज्यूम से ही जॉब हो जाता तो फिर आपको नहीं जरूरत थी, हम आपको बुलाते ही नहीं ना। रिज्यूम लेकर के आपको बोलते कि आज जॉब ज्वाइन कर लीजिए, इतनी सैलरी है। इंटरव्यू की जरूरत क्या होती है आपको बताइए। मैं क्या पूछूँ आपसे, आपको लिखा ही हुआ फिर उस हिसाब से आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, कौन कौन सा किया, सब कुछ लिखा हुआ। फिर तो जरूरत क्या होती है इंटरव्यू की? ऐसा मैंने आपसे कोई गलत बोल दिया है? आप बताइए कि जरूरत क्या है इंटरव्यू, इंटरव्यू क्यों होता है, क्यों बैठते हैं आमने सामने? वही नेचर देखने के लिए होता, वो ऐसा है ना। मैंने वैसे भी इंटरव्यू अभी तक एक दो में दिया है, मैंने दिया नहीं है। मैंने ऐसे एक ही कंपनी में काम किया है बस, इसमें वही चीज है। कोई कंपनी आप पर अगर इन्वेस्ट करेगी टाइम तो क्यों इन्वेस्ट करेगी, जब आप ही अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे? अब आपको ही पता नहीं है कि इंटरव्यू देना कैसे है, तो फिर कैसे लोग बताएंगे? ऐसा तो आपसे कोई साइंस नहीं पूछ दिया, कोई पर्सनल चीज तो हमने पूछा नहीं आपसे। आपसे सिंपल पूछा कि आप अपने बारे में बताइए। कोई एग्जाम देने थोड़ी आए हैं कि मैं आपसे टेक्निकल चीज पूछना शुरू करूं। बताइए कहाँ काम किया आपने, क्या काम किया, क्या करते थे वहां पर? मैंने दिलसाद गार्डन में किया है, इसमें कंपनी का नाम, और इसमें मतलब वैसे काम तो ज्यादातर ब्लॉगर का है, इसमें ब्लॉग बनते हैं, ब्लॉग का ही ऑन पेज होता है, टेक्निकल एसईओ वगैरह सब कुछ ब्लॉग भी होता है, उसमें जीपी वगैरह होती है और एडसेंस है। आप उसमें क्या करते थे? मैं सब कुछ मैं ही करता हूँ, मतलब ब्लॉग भी आप ही बनाते हैं? हाँ, होस्टिंग वगैरह सब सीखे हैं, बाय करना है, मैंने होस्टिंग पर चढ़ाना है, वर्डप्रेस चढ़ानी है, सब मैं ही करता हूँ। अभी भी कर रहे हैं या छोड़ दिया? नहीं, अभी भी कर रहा हूँ। तो क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? अब मैं इसलिए छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो अभी पिछले महीने उन्होंने बंद कर दिया था, वो उनके जो पार्टनरशिप है ना, उनके आपस में लड़ाई हो गई थी, तो उन्होंने बंद कर दिया था। फिर जो एक लोनी के रहने वाले हैं, उन्होंने दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, मैंने इसी 1 तारीख से वहीं उन्हीं के पास कर रखा है, तो इसलिए मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। उनकी लड़ाई हो गई है? हाँ, तो उन्होंने बंद कर दिया ना कंपनी का, तो अभी कर रहे हैं, मतलब अब दूसरा पार्टनरशिप ढूंढ लिया ना उन्होंने, तो वो 1 तारीख से जा रहा हूँ मैं वहीं पर। 1 तारीख से उन्होंने मुझे अपने पास ही बुला लिया, लेकिन मुझे फिर चेंज इसलिए करनी है कि हो सकता है इनके फिर आगे भी लड़ाई होगी, उन्होंने पुराने पार्टनरशिप के साथ ही फिर दोबारा करी है। जैसे उनका तो ऊपर का मामला है, आपके अंदर के मामले में क्या दिक्कत है? आपको पैसे नहीं दे रहे हैं या क्या बिहेवियर खराब कर रहे हैं या आपको माहौल अच्छा नहीं मिल रहा है? नहीं, माहौल की कोई दिक्कत नहीं है, बस बिहेवियर यही है। ऊपर में बहुत कुछ होता रहता है, मान लीजिए। हाँ हाँ, वो तो है। उस चीज से आपका लेना क्या है? वो अभी मैं पिछले महीने पूरे महीने घर रहा था ना, इसी चक्कर में। अच्छा, 1 महीना बंद रखी थी उन्होंने पूरे। ये एसईओ और एसईएम में क्या डिफरेंस होता है अनिल जी? एसईएम और एसईओ, ये एसईओ तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और एसईएम है सर्च इंजन मार्केटिंग। वो मतलब डिफरेंस ये है, वो पेड है एसईएम, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है इसमें। और उनका जो ब्लॉगिंग कर रहे थे या जो वेबसाइट को आप कर रहे थे, वेबसाइट क्या थी? वेबसाइट तो वो काफी सारे ब्लॉग है, maryfilmines.com। कई सारे मतलब वो ब्लॉगिंग से ही पैसे कमाते थे। ठीक है, कभी आपने सेल्फ ट्राई नहीं किया ये करने के? नहीं, मैंने जो है ना वहाँ पर ज्वाइन जो किया था, मुझे उन्होंने सिखाया था लॉकडाउन से पहले ही, तो फिर लॉकडाउन लग गया था तो उन्होंने मुझे घर से काम दे दिया। मैं फिर अभी तक घर से ही काम कर रहा था, अभी पिछले 1 तारीख से ही मैं यहाँ पर आने लगा हूँ, वरना मैं कभी कभी आता था बस यहाँ दिलसाद गार्डन काम करता था ना। ठीक है, यूट्यूब वगैरह काम किया आपने? हाँ, यूट्यूब का भी किया, कंटेंट कैसे, लीड जनरेशन वगैरह,
लीड नहीं, लीड कैंपेन नहीं, वो नहीं होता, वो चला बस बाहर अकाउंट बनाना आता है, चलाया नहीं है। ठीक है, सैलरी क्या उम्मीद कर रहे हैं निश जी? उम्मीद तो आपके ऊपर है, वहाँ तो मुझे 25 मिलती थी। ठीक है, 25 मिलते थे। ठीक है निश जी, आज हमारे तो शाम तक इंटरव्यू चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली शनिवार तक हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या शॉर्टलिस्टिंग होती, कैसे होती, फिर हम आपको अपडेट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।